हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, बड़े दिनों बाद मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, इसके लिए सॉरी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ब्लूटूथ ईयरफोन जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। और ये मैंने क्यों मंगवाया, क्या आफत आन पड़ी मुझे, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये कौन सी कंपनी है, ये रेगर या रेजर, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, मुझे नहीं पता। बस मैंने इससे इसलिए लिया क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम थी। एक तो ब्लूटूथ 5.0 जैसा कि आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ, और ऊपर से कीमत इसकी थी 367, क्या कहते हैं, यही 370 के आसपास समझ लो। और बस यही मेरा कारण था इसे लेने का, क्योंकि ये बहुत कम कीमत में मिल रहा है। इतने में क्या ही मिलता है, आपको पता है वाइड वाले भी इससे काफ़ी महंगे होते हैं। और ये कैमरा फोकस नहीं ले रहा, नहीं तो इसके ऊपर MRP आपको दिख जाता जो कि है 1999 का। तो जल्दी से इसे खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। कुछ भी अभी एक्सपेक्टेशन मेरी कुछ भी नहीं है, बस एक काम करता हुआ एवरेज सा भी अगर कुछ मिल जाता तो मैं खुश हो जाता। लेकिन ये पाउच तो मुझे काफ़ी ही अच्छा लग रहा है, और काफ़ी अच्छा पाउच है। मेरा एक टैग स्पोर्ट प्लस था, उससे भी काफ़ी बड़ा पाउच है, और उसकी कीमत तो 5000 थी जो कि एक साल भी ढंग से नहीं चला बेचारा। और ये तो अभी तक तो अच्छा लग रहा है। तो इसके अंदर हमें हमेशा की तरह एक मेन हेडसेट और वो तीन एक वो मिलते हैं टोपियाँ, तीन साइज जिसमें होते हैं। और ये चुन्नी मुन्नी सी एक USB केबल चार्जिंग के लिए, और बस यही है सारा सामान। चलो इतना मिल गया, इतना ही काफ़ी है। हमें तो बस एक ईयरफोन ही दे देते और कुछ ना देते, पाउच वगैरह भी नहीं चाहिए था। दोस्तों, अभी मैंने इसी ब्लूटूथ से म्यूज़िक चला के वर्कआउट किया लगभग 1 घंटा, और ये मतलब काफ़ी सही मज़े आते रहे। आवाज़ एकदम बढ़िया थी, कम नहीं लगी, तेज़, और बेस भी एकदम बढ़िया जैसे कि म्यूज़िक्स में होनी चाहिए, जैसे हिप हॉप वगैरह सभी में अच्छी आ रही थी। और हाँ, इसकी जो कान पे पकड़ वो एकदम इसे मैं 70% ठीक कह सकता हूँ, क्योंकि जब जंपिंग जैक्स कर रहा था तो ये ढीले हो गए थे, गिरे नहीं थे लेकिन ढीले हो गए थे, यानी कि मतलब उतनी ज़्यादा तेज़ पकड़ भी नहीं। अगर आप हार्ड एक्सरसाइज करोगे तो ये कानों से गिर सकते हैं। और इसकी बैटरी लगभग 20% ख़त्म हुई, मैंने 100% चार्ज करी थी, तो कुल मिला के ये 3 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं देने वाला फुल चार्ज होने के बाद। तो मैंने सोचा आपको ये भी चीज़ बता दूँ, पता होना चाहिए कि भाई वर्कआउट के लिए भी ये ठीक है। तो दोस्तों, जल्दी से इस हेडसेट की साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाउडनेस की। लाउडनेस भैया कितनी है, कम तो नहीं है, लाउडनेस कितनी है इसमें? तो जब आपको मूड होता है ना कि एकदम कान के पर्दे फाड़ देने, जोर से सुनना है, तो इसकी 70% वॉल्यूम ही हुई होती है, यानी कि 30% अभी बची होती है। तो यानी लाउडनेस के मामले में तो ये बहुत बढ़िया है, इसकी आवाज़ कहीं से भी आपको कम लग ही नहीं सकती, और अगर लग रही है तो आपको अपने कानों का ही इलाज करवाना पड़ेगा। बात करते हैं कि जैसे हम इसकी आवाज़ तेज़ करते हैं तो डिस्टॉर्शन नहीं होती, होती है भाई, क्यों नहीं होती, लेकिन इतनी मतलब कम होती है या इतनी मतलब कि तंग ही नहीं करती। लाउडनेस के बाद इस बात कर लेने ट्रेबल की। ट्रेबल इसकी एवरेज है, ठीक है, एकदम एवरेज, उसमें कोई खास बात नहीं है, कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, एवरेज एकदम। और जो साउंड सेपरेशन वगैरह, जो स्टीरियो इफेक्ट, वो इसमें काफ़ी अच्छा है, जैसे आना चाहिए हर एक ईयरफोन में, और हर एक ईयरफोन में वो आता भी है। ईयरफोन का काम यही होता है कि साउंड तो अच्छी आया इसमें तो आती है, ठीक है। और अब मेन बात कर लेते हैं बेस। बेस इसकी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी तगड़ी, जो बेस लवर भी है ना, जो बेस लवर हैं उन्हें भी ये इसकी बेस अच्छी लगने वाली है। तो यानी मुझे भी अच्छी लग रही है, तो मुझे तो वैसे भी ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती बेस के मामले में, क्योंकि मुझे हर किसी की कम लगती है, लेकिन मुझे इसकी एकदम बढ़िया लगी तो सोचो अच्छी ही होगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इसकी साउंड को कहूँगा काफ़ी अच्छी है, यानी 10 में से दूंगा 6.5 नंबर, और ये 6.5 नंबर मैं जल्दी नहीं देता किसी को, काफ़ी अच्छी है, मज़ेदार। और सबसे एक आखिरी में जाते जाते कि इम्पोर्टेंट बात, ये 400 से भी कम का ईयरफोन है, ठीक है, और 40-40, 50-50 हज़ार के पड़े हैं, आपको पता है। और वायर हर किसी की कटती है, हर किसी की टूटती है, और चीज़ें खोना बहुत आम बात है। और अब आपको ये सोचना है कि आपकी 400 की चीज़ खो रही है या आपकी 40,000 की खो रही है, आपको किससे ज़्यादा दुख होगा, समझे। इसलिए ये सिर्फ ईयरफोन लो, यूज़ करो, दोस्तों को दो, फेंको, नए ले लो, कोई बात नहीं है,
महंगे पे इन्वेस्ट क्यों करना। और इसकी ऐसे नहीं कि साउंड क्वालिटी ख़राब है, इतनी बढ़िया है कि बहुत ही बढ़िया है। ऐसे तो होम थिएटर अगर किसी में ऐसी साउंड क्वालिटी हो ना, उसे आँखें बंद करके ले लेना चाहिए, इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट। बाय बाय।